गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, दिस इज़ वनीशा, योर टीचर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम कल्पना चावला विद्यापीठ। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एंड डूइंग ग्रेट। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 12 एंड वी हैव डन सीन 1 एंड सीन 2। उसमें क्या हुआ था बेटा? कौशिका की स्टोरी थी जिसमें अपने पेरेंट्स को छोड़ के वो ट्रूथ की सर्च में अब जंगल में चला जाता है और वहाँ पे उसके हाथों एक उसके गुस्से की वजह से क्रेन की डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है बेटा? लेट अस स्टार्ट। नरेटर, लेटर इन द डे ही वेंट टू अ विलेज टू बैग फॉर आर्म्स। कि अब उसके बाद दिन में क्या होता है, वो विलेज में जाता है मांगने के लिए। जैसे पंडित ये होते हैं ना, साधु महात्मा जो कि मांगने के लिए जाते हैं लोगों से भिक्षा, तो वो मांगने के लिए जाता है। कौशिका नॉकिंग एट द डोर ऑफ ए हट, अ लेडी ओपन्स द डोर। कौशिका ने क्या किया, एक डोर को नॉक किया और एक लेडी ने डोर को ओपन किया। द लेडी, व्हाट डू यू वांट ओनर सेज। तो लेडी उसको क्या कहती है, आप क्या चाहते हो? ओके, आफ्टर दैट कौशिका, प्लीज़ गिव मी सम फूड। कौशिका क्या कहते हैं, प्लीज़ मुझे कुछ खाना दो। द लेडी, प्लीज़ वेट हेयर टिल आई गेट बैक। तो लेडी उसको कहती है कि यहाँ पे वेट करो जब तक कि मैं वापस आती हूँ। द लेडीज़ हस्बैंड एंटर्स द हट फ्रॉम द आउटसाइड। कि लेडी का हस्बैंड बाहर से आता है। द बॉय, द लेडीज़ हस्बैंड, डियर आई एम वेरी टायर्ड, प्लीज़ गेट मी सम फूड। तो लेडी का हस्बैंड उसको क्या कहता है, डियर मैं बहुत थका हुआ हूँ तो मुझे कुछ खाना दो। नरेटर, अब नरेटर क्या उनको डिस्क्राइब कर रहा है। द लेडी इमिडिएटली सेट असाइड द पॉट ऑफ फूड शी वॉज टेकिंग टू द सेज एंड वेंट टू अटेंड टू हर हस्बैंड। तो लेडी ने क्या किया, इमिडिएटली जल्दी से जो वो खाना सेज के लिए लेके जा रही थी तो उसको एक साइड पे रख दिया और वो अपने हस्बैंड की केयर करने लगी, उसको अटेंड करने लगी कि उसको क्या चाहिए। आफ्टर वॉशिंग हिज फीट, गिविंग हिम फूड एंड अटेंडिंग टू हिज नीड्स, शी केम बैक आउट टू गिव द आर्म्स टू द सेज। कि उसके पैर धोने के बाद, उसको खाना देने के बाद, उसकी ज़रूरत जो भी उसको चाहिए था वो सब देने के बाद वो वापस आई और उसने वो जो दान उसके लिए निकाला हुआ था भिक्षा, वो सेज को जाके दे दी। कौशिका एंग्रीली, कौशिका गुस्से में बोलता है, यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरी इंसल्ट की है, बेइज्जती की है। यू पुट यूअर हस्बैंड बिफोर अ पायस सेज, डू यू नो द पावर ऑफ ए ब्राह्मण। कि तुमने मुझसे पहले, मुझ पवित्र ब्राह्मण से पहले अपने हस्बैंड की केयर की है, तुमने उसकी उसको खाना दिया है। डू यू नो, क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक ही तुम्हें पावर, जो ब्राह्मण की पावर को नहीं जानती तुम। द लेडी कामली, लेडी बिल्कुल आराम से उसको ठंडे दिमाग से बोलती है, यस अ ट्रू ब्राह्मण इज ही हु हैज़ मास्टर्ड हिज एंगर। हाँ, असली ब्राह्मण वही होता है जिसका अपने गुस्से पे कंट्रोल होता है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। प्लीज़ डोंट थ्रेटन मी, प्लीज़ मुझे मत डराओ, आई एम नॉट अ क्रेन दैट विल डाई बाय यूअर फियरी गेज। कि मैं कोई क्रेन नहीं हूँ, पक्षी नहीं हूँ जो कि तुम्हारे गुस्से की आग से जल के मर जाऊँगी। कौशिका विद अमेजमेंट, कौशिका बड़ा हैरान हो गया, हाउ डू यू नो अबाउट द क्रेन, कि तुम क्रेन के बारे में कैसे जानती हो। द लेडी, ओ होली वन, यू आर ए लर्न्ड ब्राह्मण बट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द ट्रूथ अबाउट वर्च्यू। कि तुम एक लर्न्ड ब्राह्मण हो, मतलब तुम सीख रहे हो अभी, तुम काफ़ी अच्छे ब्राह्मण हो, एक्सपीरियंस ब्राह्मण हो, लेकिन तुम अभी तक जो रियल मैनर्स होते हैं, जो गुड मैनर्स होते हैं, ट्रूथ के पीछे जो हमें सच्चाई होती है जीवन की, वो तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। इफ़ यू वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड, अगर तुम जानना चाहते हो, मीन्स अपने अंदर की जोत जगाना चाहते हो, मतलब अपने अंदर प्रकाश लाना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, गो टू धर्म व्याद्या हु लिव्स इन मथुरा, एनीवन विल टेल यू वेयर ही लिव्स। कि तुम धर्म व्याद्या के पास जाओ जो कि मथुरा में रहता है और वो तुम्हें, हर कोई तुम्हें बता देगा कि वो कहाँ पे रहता है। कौशिका, आई हैव टू मीट धर्म वैद्या, आई विल इमीडिएटली लीव फॉर मथुरा, थैंक यू ओ वाइस लेडी। कौशिका कहते हैं कि मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊँगा, मुझे उससे मिलना है, और वो इमीडिएटली वहाँ से मथुरा के लिए चला जाता है। थैंक यू, उसको थैंक यू भी बोलते हैं। एवरी वन एग्जिट्स, सभी अपने, मतलब जो नरेटर डिस्क्राइब कर रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। सीन फोर में क्या होता है, कौशिका इज़ वेटिंग इन द स्ट्रीट ऑफ मथुरा, टू इज़ लेफ्ट इज़ ए बच्चर शॉप।
कि कौशिका जो होता है मथुरा की एक गली में स्ट्रीट में वेट कर रहा होता है, वो चल रहा होता है, सॉरी वॉकिंग इन द स्ट्रीट ऑफ मथुरा, वो मथुरा की स्ट्रीट में गलियों में चल रहा होता है। उसके लेफ्ट में एक बच्चर की शॉप होती है, में जो कसाई होती है ना जानवरों को कट करते हैं उसकी शॉप होती है। कौशिका टू हिमसेल्फ, कौशिका अपने आप से कहता है, ही मस्ट बी ए ग्रेट एंड लर्न सेज इन डीड टू हैव मास्टर्ड हिज एंगर, कि वो कौशिका अपने आप से कहता है कि वो सबसे ज़्यादा सीखने वाला मतलब लर्न सेज है, एक्सपीरियंस सेज है, इंडीड टू हैव मास्टर इज एंगर, कि हो सकता है कि उसने अपने गुस्से पे काबू पा लिया हो तो वो ऐसा होगा। नरेटर, बट व्हेन कौशिका फाइनली रीच धर्म वैद्या प्लेस ही फाउंड इट टू बी ए बच्चर शॉप, लेकिन जब कौशिका फाइनली धर्म वैद्या से उसके प्लेस पे मिलता है, उसकी जगह पे मिलता है, तो वो उसको एक बुच्चर की शॉप में मिलता है। वो सोच रहा था कि वो इतना अच्छा सेज है, इतना अच्छा पंडित है जिसने कि अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रखा है, ऐसा कौन सा है जो कि वो तो काफ़ी अच्छी जगह पे मिलेगा, बट एंड में उसको वो कहाँ पे मिलता है, एक बुच्चर की शॉप पे मिलता है। आफ्टर दैट धर्म वैद्या, वेलकम होली वन, आई एम धर्म वैद्या द मैन यू सीक, वेलकम होली मैन, कि मैं ही धर्म वैद्य हूँ जिसको कि तुम ढूंढ रहे हो। कौशिका शोक हो जाता है, हाउ कैन ए बच्चर बी स्पिरिचुअली एनलाइटेड, कि किस तरह से एक जो बच्चर है जो कि कसाई है वो इतना धार्मिक इंसान हो सकता है जिसने कि अपने अंदर प्रकाश ला रखा है, मीन्स वो सारी जीवन की सच्चाई जानता है कि एक्चुअली में लाइफ हमें किस चीज़ के लिए मिली हुई है। हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिव होता है, तो वो उसको मालूम है कि उसकी लाइफ की क्या सच्चाई है, उसको क्या करना है। लेकिन ये जो कौशिका था ये अपनी लाइफ की सच्चाई ढूंढने के लिए जंगल में भटक रहा था। धर्म वैद्या स्माइलिंग, धर्म वैद्या स्माइल करता, आई नो द स्टोरी ऑफ द क्रेन एंड ऑफ द वुमेन हु सेंट यू हेयर, कम लेट अस गो टू माई हाउस, कि मैं क्रेन की और उस वुमेन की स्टोरी जानता हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, चलो मेरे घर पे चलते हैं। दे बो स्टार्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, कि दोनों वो गली में चलना स्ट्रीट में शुरू कर देते हैं। कौशिका एंग्रीली, कौशिका गुस्से में होता है, बट बचरिंग एनिमल्स इज सच ए सिनफुल प्रोफेशन, लेकिन एनिमल्स को मारना तो सिनफुल पाप है, हमारे धर्मों में धर्म में माना गया कि किसी भी जानवर की हत्या करना पाप है। आर यू नॉट अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। धर्म वैद्या कामली, धर्म वैद्या बिल्कुल आराम से शांत स्वभाव में बोलता है, आई एम नॉट अशेम्ड, कि मुझे शर्म नहीं आती है, आई एम एंगेज इन द फैमिली ट्रेड, कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है कि हम लोग जानवरों को कट करके उनको बेचते हैं। आई वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, मैं मेहनत करता हूँ और ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। देर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू अशेम्ड ऑफ माई वर्क, कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे अपने काम पर शर्मिंदा होना पड़े। कौशिका, बट किलिंग अदर क्रिएचर टू फुलफिल यूअर नीड्स इज रॉन्ग, लेकिन कौशिका क्या बोलता है, लेकिन दूसरे क्रिएचर्स को मारना अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए तो गलत है। धर्म वैद्या होली वन, धर्म वैद्या उसको क्या कहता है, इफ़ आई डू इंजरी टू अदर क्रिएचर्स सो डू यू एज यू डिड टू द क्रेन, कि चलो मैं तो दूसरे क्रिएचर्स को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, उनको मैं मार रहा हूँ, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने भी तो वही किया क्रेन के साथ, तुमने भी तो अपने गुस्से की वजह से उस क्रेन को मार दिया था। एज वी वॉक ऑन द सोयल वी स्टेप ऑन न्यूमरियस क्रिएचर, जब भी हम जमीन पे चलते हैं, धरती पे चलते हैं, तो हमारे पैरों के नीचे कितने ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नोर इन द एयर वी ब्रीथ फ्री ऑफ क्रिएचर्स, क्या जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी क्रिएचर से फ्री है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें कितने तरह के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो भी एक क्रिएचर है भगवान के बनाए हुए, तो क्या जो इस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो फ्री है क्रिएचर से। यू सी दैट फार्मर प्रिपेयरिंग द लैंड, क्यों तुम देखते हो कि फार्मर जो है जो लैंड है उसको प्रिपेयर करते हैं, मतलब ऊपर नीचे करते हैं मिट्टी को, जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, ताकि उसमें मिट्टी की अच्छे से जुताई हो सके और उसके बाद वो उसमें बीज डाल सके। ही इज़ किलिंग सो मैनी लिविंग बींग्स दैट थ्राइव अंडर द सॉइल, कि वो भी कितने सारे एनिमल्स को मारता है जो कि जमीन के मिट्टी में रहते हैं, केचुए भी होते हैं और भी कीड़े मकोड़े होते हैं कितने सारे, जो कि उसके जुताई करने की वजह से
या खेत में जो भी इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं ट्रैक्टर से, उसकी वजह से कितने सारे जो क्रिएचर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से धर्म वैद्य उसको समझा रहा होता है। बेटा आपको आशा करती हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू फाइंड आउट 15 वर्ब्स फ्रॉम दीज पेजेस टिल हेयर एंड राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक ऑफ इंग्लिश रीडर। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाय बाय।